सलमान खान और रणबीर कपूर का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, वजह सब जानते हैं, कैटरीना कैफ। सलमान से दूरी के बाद ही कैटरीना कैफ रणबीर कपूर से बेहद करीब आ गई थी और दोनों के इश्क की शुरुआत हुई थी। रणबीर से रिश्ता टूटने के बाद कैटरीना ने एक बार फिर से सलमान का रुख कर लिया है, मगर रणबीर अभी भी सलमान को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। सलमान ने एक बार जिससे दुश्मनी करने की ठान ली तो बस ठान ली। अब सलमान को रणबीर से नफरत करने की एक और वजह मिल गई है और वो है रणबीर की आने वाली फिल्म संजू, जिसमें रणबीर संजय दत्त के टाइटल रोल में नजर आएंगे। ऐसे में सलमान ने रणबीर को बॉक्स ऑफिस पर सीधे टक्कर देने का मन बना लिया है। कब और कैसे ये भी हम आपको बताएंगे, मगर इससे पहले ये जान लीजिए कि रणबीर सलमान के लिए एक बार फिर से परेशानी का सबब कैसे बन गए हैं। सलमान खान अपने आने वाली फिल्म थ्रिलर फिल्म रेस 3 से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसकी रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। सलमान चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हो। ऐसे में वो फिल्म की पब्लिसिटी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रेस 3 के एक एक करके लॉन्च किए गए पोस्टर, टीजर, सॉन्ग और ट्रेलर लॉन्च के जरिए रेस 3 को चर्चा में बनाए रखने के लिए सलमान ने अब तक हर मुमकिन कोशिश की है, मगर जैसे ही संजू का ट्रेलर लॉन्च हुआ वैसे ही रेस 3 को मिल रहे अटेंशन में भारी कमी आ गई। पहले से ही संजू के टीजर की चर्चा कम नहीं हो रही थी। ऐसे में सलमान रेस 3 की कीमत पर संजू को मिल रही पब्लिसिटी को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। अब खबर यह है कि सलमान ने रणबीर से इसका बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि सलमान ने अपनी अगली फिल्म दबंग की एक और सीक्वल दबंग 3 को ठीक उसी दिन यानी अगले साल 15 अगस्त को रिलीज करने का मन बना लिया है और 15 अगस्त को ही रणबीर अमिताभ आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। खबरों के मुताबिक सलमान को लगता है कि इस तरह से वो रेस 3 की कसर ब्रह्मास्त्र को टक्कर देकर निकालेंगे। हालांकि अभी दबंग 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन सलमान को रणबीर को मजा चखाने का इस प्लान में जरा भी सच्चाई है तो कहना गलत नहीं होगा सलमान का एक कदम बचकाना है। जरा सोचिए, दबंग 3 को ब्रह्मास्त्र के अपोजिट रिलीज करने के बाद अगर सलमान को इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सलमान की जो फजीहत होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुनीत सिंह, अमर उजाला टीवी, मुंबई।